हेलो गाइस, वेलकम टू इग्नेटम एकेडमी। आज हम देखेंगे, आप जैसे कि जानते हैं कि इस चैनल पे आपको बहुत ही इजीली हमें सभी जीके के ट्रिक्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, ताकि हम आगे भी आपको ऐसे ही, हमें भी प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है गाइस। इसलिए आप इसे सब्सक्राइब एंड हमारे वीडियो को लाइक करें। आज हम जानेंगे नेशनल पार्क्स ऑफ कर्नाटका के बारे में। जैसे कि गाइस हम जानते हैं कि नेशनल पार्क सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, या फिर डिफेंस हो, या फिर और कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे एंड अदर एनी स्टेट ऑफ एग्ज़ाम्स। तो इसीलिए हम कर्नाटका के नेशनल पार्क को इतने इजी तरीके से हम याद करेंगे कि हम वो आगे कभी भूल नहीं पाएंगे, और इजी हम उसे हमेशा याद रख सकेंगे, और इजीली हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे इन एग्ज़ाम्स में। चलिए गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। बी बैंक या फिर बंधन बैंक से भी हम याद कर सकते हैं कर्नाटका के नेशनल पार्क को। अगर हम बी बैंक से याद करते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जो पहला बी है, इससे कि पहले बी से हमें ये पता चलता है कि बांदीपुर नेशनल पार्क, फिर बनेरघट्टा नेशनल पार्क एंड अंशी नेशनल पार्क, एंड एन से नागरहोल नेशनल पार्क, के से कुदरमुख नेशनल पार्क। ओके गाइस, अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो फैक्ट्स में जैसे कि हम जानते हैं कि एमपी में सबसे ज़्यादा इंडिया के सबसे ज़्यादा टाइगर्स जो हैं वो एमपी स्टेट में पाए जाते हैं। बट गाइस, अगर हम बात करें कि एमपी के बाद सेकंड जो स्टेट आता है जिसमें कि टाइगर की पॉपुलेशन पाई जाती है, वो सबसे ज़्यादा कर्नाटका में पाई जाती है। और एलिफेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा एलिफेंट के पॉपुलेशन कर्नाटका के इन पांचों नेशनल पार्क्स में है। और ये जो इसमें से मुख्य जो नेशनल पार्क्स हैं वो वेस्टर्न घाट्स में स्थित हैं, जैसे कि नागरहोल हो गया एंड कुदरमुख नेशनल पार्क हो गया। गाइस ये देखिए कितनी की ये नागरहोल नेशनल पार्क की फ़ोटो है, जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर में है। अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो आप जानते ही हैं गाइस कि बायोस्फीयर 27 है, एंड ये पहले 27 थे जो कि अब 37 हो गए हैं। और ये नीलगिरी बायोस्फीयर है, ठीक है, जिसका कि नीलगिरी बायोस्फीयर में ये नागरहोल नेशनल पार्क स्थित है। तो उसकी ये पिक्स है। ये कादम्बी फॉल्स जो है वो कुदरमुख नेशनल पार्क में कर्नाटका के चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और ये वेस्टर्न घाट में आता है गाइस। वेस्टर्न घाट अगर हम कहें तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, ठीक है। और इस वाटरफॉल की हाइट 30 फीट है। ये है गंडमोला हिल्स, जो कि कुदरमुख नेशनल पार्क में ही स्थित है, और ये भी चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में ही कर्नाटका के स्थित है। और वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका में अगर हम बात करें, ये भी वेस्टर्न घाट में ही स्थित है गाइस। इस हिल्स से 3 मुख्य नदियां निकलती हैं, गाइज इस हिल से 3 मुख्य नदियां निकलती हैं, जैसे कि तुंग एंड भद्रा एंड नेत्रावती। यही आगे के तुंग और भद्रा मिलती हैं, तो गाइज तुंग भद्रा रिवर बनती है। ओके गाइज, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो बिना सब्सक्राइब किए गाइज कैसे पता चलेगा, हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। और देन प्लीज़ गाइज लाइक भी कीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। बाय बाय गाइज़।